बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर क्योंकि जब हम टमी टक वाला ऑपरेशन करते हैं तो फिर क्या होता है, जो अपनी नाभि होती है इसको हम इंग्लिश में अम्बिलिकस बोलते हैं, उसकी पोजीशन भी चेंज होती है। हाँ, क्योंकि उसी के बेसिस पे फिर आपको, क्योंकि वो उसको देखना पड़ता है कि शरीर के अनुपात में वो कहाँ है, नॉर्मली कहाँ रहती है। तो कोशिश वही रहती है कि लगभग उसी स्टेटस पर रहे कि अगर आपके वो जो चर्बी वाला भाग है, जो अगर वो ना भी हो तो भी उसका जो अम्बिलिकस की पोजीशन उसे आप समझिए नॉर्मल जैसे ऊपर वाला बना के भेजता है, कोशिश यही रहती है। तभी अच्छी उसकी पोजीशन एकदम बढ़िया है, इसी लेवल पर रहती है अम्बिलिकस आपके। कलर अच्छा है तो ये बढ़िया है। नीचे नीचे यहाँ पर टाँके लगाए सारे, क्योंकि बीच वाला जो चर्बी वाला पार्ट था साथ में स्किन दोनों है, वो भाग को निकाल दिया है। दिस लुक्स गुड, अच्छा लग रहा है। कलेक्शन नहीं है, ड्रेन अपनी जगह है, फंक्शनल है, ड्रेस में बहुत ज्यादा है नहीं। स्कूट रिजल्ट बेटर है। बढ़िया है। महत्वपूर्ण है कि हमको खुद को वो थोड़े समय में हमको खुद को महसूस हो जाता है कि हाँ चीजें कैसी हुई हैं, कैसी लग रही हैं। अगर हम कंफर्टेबल हैं चीजों को लेके पहले के मुकाबले, और वो है, अब इसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। एक तो खाने पीने का है विशेष, और दूसरी चीज है कि जब भी हम अभी, एक तो ये एब्डोमिनल बेल्ट बाइंडर जिसको बोलते हैं, इसको जब भी हम लगाएंगे तो हम लेटे लेटे लगाएंगे, बैठ के नहीं लगाना है। अच्छा, उसका देखिए विशेष और कारण है सुगंध पड़ेगी, ना, उसमें क्या है, बल अगर आप पड़ेगी, बैठ गए तो ये सब नीचे चला गया, तो बल पड़ेगी। हमको चाहिए क्या, ये चीज इसको सपोर्ट देगी पहली बात बेल्ट। और दूसरा ये करते हैं, जब हम ये हमारा चमड़ी वाला भाग है, बीच में चर्बी है, ये मांसपेशी है, यहाँ से जो चर्बी वाला भाग था वो हमने काफी निकाल दिया, काफी स्किन भी निकाल दी, तो कैसे भी करके दोनों चीजें ऐसी थोड़ी ढीली तो रहेंगी और रगड़ा खाएंगी। हम चाहते हैं कि ये वाली चीज ऐसे कैसे चिपक जाए, तो चिपकेगी तो उससे आपको रिजल्ट्स और अच्छे दिखेंगे, आपको खुद को अच्छा महसूस होगी जब चीज एकदम फिट होगी। वही ना कि ऐसे हो जाएगी चीज, जी, तो वो तभी होगा जब हम एब्डोमिनल जो बाइंडर है बेल्ट है उसको बैठे बैठे की बजाय हम सिर्फ लेटे लेटे लगाएंगे। तो हो सकता है आपको शुरुआत के कुछ दिनों में किसी की मदद की जरूरत पड़े, क्योंकि आपके लिए शायद एकदम से संभव नहीं होगा उठा के लगाना। वो लगाएंगे और उसके बाद फिर एक करवट लेंगे, सीधे ऐसे नहीं बैठना है, पहले एक करवट लेंगे धीरे से, फिर हम बैठेंगे, फिर हम चलने से पहले हम 2 मिनट सिर्फ जहां कुर्सी टेबल पे जिसपे भी हम बैठे रहेंगे, और उसके बाद हम चलें। बस ये जो ड्रेसिंग कितने दिन में करा दी? ड्रेसिंग आपको एवरी ऑल है ना, 2 दिन में 3 दिन में एक बार ड्रेसिंग करानी है, वो जरूरी है, साफ सुथरा रहे, क्योंकि अभी बढ़िया है सब, इन्फेक्शन वगैरह कुछ नहीं है, कलेक्शन नहीं है, ये इंसिजन वाला पार्ट है ये बढ़िया है, तो ये अपने लिए अच्छी बात है। तो ये सब चीजें ऐसे ही चलती रहेगी तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। ऑइंटमेंट ये ड्रेन है ट्यूब, हाँ ये रहेगी अभी, हाँ उसको उसको इस तरह से लगा देंगे जिससे कि हाँ वो कहीं पुल आउट ना करे, प्रेशर नहीं पड़ेगा। अभी आराम से बीटाडीन लगा देंगे, बढ़िया है, ये वुंड वगैरह अच्छा है। महत्वपूर्ण यही है, क्योंकि इतनी बड़ा ऑपरेशन होता है तो कोशिश उसमें यही रहती है कि इस तरह की कोई दिक्कत आए ना, नहीं चाहते किसी को परेशानी नहीं आनी चाहिए किसी भी तरह की। बस तो 17 दिन बाद कटेंगे। हाँ, वो समय देते हैं जिससे कि क्या उस समय में घाव के पूरा अच्छी तरह से भिड़ ना भर जाता है, चमड़ी ऐसे जुड़ जाए, अगर वो जुड़ जाएगी वो अच्छे से, डॉक्टर लखनऊ जाएंगे तभी हम जाएंगे, हाँ बहुत बढ़िया। 18 दिन 20 दिन हो जाए। नहीं अच्छा, हाँ हाँ तब करा लीजिएगा आराम से, नहीं हो जाएगा सब। वो क्या वैसे निकलेगा नहीं, उसका सपोर्ट लगा दें, क्योंकि हम वो उसको सूचर लगा के फिक्स करते हैं तो वो निकलेगा नहीं, बस हमको ध्यान रखना है कि वो कहीं से खींचे ना, पुल ना करे, तो उसके सपोर्ट के लिए हम लोग उसके और साथ में टेप लगा देंगे माइक्रोपोर, जिससे कि वो चीज़ और आगे खींचेगी नहीं, बस तो वो हो जाएगा अच्छे से। और कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। खाने पीने में तो वही नॉर्मल। हाँ हाँ नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है। कानपुर कब निकल रहे हैं आप अभी? अभी अच्छा, तो जो कैथेटर है उसको निकाल दें, लेके जाएंगे साफ़ पेशाब वाला हाँ वो निकाल निकाल देंगे,
नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फिर इच्छा ये, मतलब हम लोगों का ये प्रयास रहता है एक बार को हम कैथेटर निकाल लें, फिर उसके बाद आप एक बार को यूरिन पास हो जाए उसके बाद जाइएगा, क्योंकि इतने टाइम से क्या हुआ, क्या है ना कि हमने जो हमारे अंदर स्फिंक्टर रहता है, पेशाब की नली है जहाँ पर वो लगता है, उसमें ये रहता है कि अब इतने दिन में जो हमारी पेशाब की थैली जहाँ पेशाब भरता है, जैसे ही भरता है हमारी इच्छा होती है हम पेशाब चले जाते हैं, लेकिन अब इतने दिनों से वो जो थैली है उसका, वो थैली में ये नलकी डली हुई है तो वो सेंसेशन तो आपको आएगी नहीं, पता ही नहीं लगेगा आपको, खाली होता जा रहा है, तभी जो ब्लैडर है वो वाला पार्ट है वो भी सो रहा है। तो एक बार को यूरिन पास हो जाता, थोड़ी एक बार हम कैथेटर निकाल दें उसके बाद थोड़ा पानी वगैरह थोड़ा पी लीजिएगा, और एक बार को यूरिन पास हो तब चले जाइएगा, वरना पता लगा रास्ते में परेशान हो रहे हैं कि अरे यूरिन पास नहीं हो रहा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आप परेशान होंगे फालतू, जिसकी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, बस वो